लास्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्रैक्टरी को देखे थे और रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री का क्या सिनारियो है वर्ल्ड वाइज, कितना प्रोडक्शन होता है, कौन सी कंट्री कितना कंजप्शन करती है और इसके मेन कौन से इंडस्ट्री है जो इसके मेन कंज्यूमर हैं, तो इसको हम लोग देखे थे। आज हम लोग नेक्स्ट आगे इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लांट लेआउट ऑफ ए मॉडर्न रिफ्रैक्टरी प्लांट। हम लोगों को कोई भी प्लांट इस्टेब्लिश करने के पहले उसकी डिजाइन बनानी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? यस सर। तो इसका मेन पर्पस क्या है, कोई बता सकते हैं हम लोगों को डिजाइन क्यों पड़ती है कोई भी प्लांट बनाने के पहले? ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, कोई बात नहीं है। कि हम लोगों को बेसिकली प्री प्लान डिजाइन बनानी पड़ती है और इस डिजाइन बनाने के लिए, प्लांट को स्टेब्लिश करने के लिए किन किन चीजों को ध्यान रखा जाता है, किन किन चीजों की जरूरत होती है, वो हम आगे देखेंगे। तो आज के हमारे लेक्चर का मेन आउटकम होगा कि रिफ्रैक्टरी प्रोडक्शन के स्ट्रक्चर को समझना, कौन कौन से मशीनरीज होते हैं उसको जानना और लेआउट बनाने का, जो प्लांट डायग्राम बनाने का क्या एडवांटेज है उसको समझना। तो कोई भी प्लांट का लेआउट क्या होता है, प्लांट लेआउट आइडियली इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ स्पेस एंड अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट इन सच ए मैनर दैट ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड। तो प्लांट लेआउट क्या होता है कि ये एक लेआउट होता है जो कि स्पेस कितना जरूरत होगा, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ होगा, एक मैनर में सजाना और जिससे कि हमारा ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट कम किया जा सके। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम कोई भी प्लांट लगाते हैं, कि मान लो कि एक छोटा सा हमको टाइल्स प्लांट लगाना है, तो टाइल्स प्लांट लगाएंगे तो हम इस प्लांट को उस एरिया में लगाएंगे जहां पर कि टाइल्स के लिए जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी वो आसानी से मिल जाए। तो वैसे स्पेस को हम लोग ढूंढेंगे, वो एक मशीन्स को हम लोग एक सीक्वेंस में लगाएंगे कि पहले क्रशिंग करेंगे, फिर ग्राइंडिंग करेंगे, फिर बॉल मिलिंग करेंगे, इस तरीके से एक सीक्वेंस होगा। तो इस सीक्वेंस को हम लोग एक डिजाइन में पहले उतारते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि नेट हमारा ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है, हमारा मेन टारगेट कॉस्ट को भी लेकर के करना पड़ता है। अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेआउट को देखें तो ये क्या है, इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फ्लोर स्पेस, जो हमारे पास स्पेस है उसको इफिशियंसली कितना इफेक्टिवली हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ये लेआउट बनाने का पर्पस है। मान लीजिए एक जॉ क्रशर को हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें 10x10 एरिया चाहिए, तो हम 10x10 एरिया में ही इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए भाई हम 100x100 एरिया यूज नहीं करेंगे, तो वो एरिया के यूटिलाइजेशन को अच्छा करता है। अगला है टू इंश्योर द वर्क प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी डिले। क्या होता है, बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, जैसे पहले हम लोग जॉ क्रशर में रॉ मटेरियल को डालते हैं, फिर बॉल उसका जो है कोन क्रशर में डालते हैं या बॉल मिलिंग करते हैं, तो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से इंटरलिंक है। तो हम जॉ क्रशर के ठीक बगल में बॉल मिल रखेंगे तभी हम जॉ क्रशर का आउटपुट बॉल मिल में चार्ज कर पाएंगे, अदरवाइज जितना डिस्टेंस दूर करते जाएंगे प्रोसेस डिले हमारा उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो ये लेआउट का ऑब्जेक्टिव्स होता है। और दूसरा है कि प्रोवाइड इनफ प्रोडक्शन कैपेसिटी,
अब जो होता क्या है कि हम लोग जो प्लांट बनाते हैं, पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो प्लांट जो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं उससे हमको कितना आउटपुट चाहिए, तो उस आउटपुट के हिसाब से ही सारे मशीनरीज का इफिशेंसी या साइज डिसाइड करते हैं। रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, अभी हमने बताया कि जॉ क्रशर के बगल में जस्ट बॉल मिल को हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, तो एक जगह से जॉ क्रशर का आउटपुट बॉल मिल तक ले जाने के लिए बहुत कम पड़ेगा। यदि हम काफ़ी दूर इस्टेब्लिश कर दें तो मटेरियल को एक जगह से ले जाने से दूसरे जगह ले जाने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा नज़दीक में इस्टेब्लिश करने से मटेरियल कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट भी घटेगा। रिड्यूस हैजार्डियस पर्सनल, ये क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हैजार्डियस चीज़ें होती है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चीज़ें होती है, इसको भी हम लोग एक सर्टेन एक्सटेंट तक मिनिमाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज लेबर इफिशेंटली, जो लेबर कॉस्ट है, जो मजदूरी कॉस्ट है, उसको भी हम लोग बहुत कम ले जा सकते हैं। हम जानते ही हैं कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है या काफ़ी मात्रा में कॉस्ट लेबर का होता है। और इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय के मोरल को भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि इसके जो हार्ड वर्क है उसको हम लोग स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क कैसे आसान हो ये हम लोग लेआउट के द्वारा कर सकते हैं, ये लेआउट का ऑब्जेक्टिव्स होता है। आगे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करता है। अभी कहे कि मान लो कि बॉल मिल के और जॉ क्रशर में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो एक मटेरियल को दूसरे जगह ले जाना होगा तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ये तो मैं एक छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जब हम लोग सारी इंडस्ट्री को देखेंगे तब देखते हैं बहुत सारे मशीनरीज होते हैं, तो वहाँ पे जितना ज़्यादा मशीनरीज होंगे, जितने ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशंस होंगे, उतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स के चांस होंगे। तो यदि हम कम कर सके और ऑटोमाइजेशन ज़्यादा कर पाए तो हमारे एक्सीडेंट्स के चांस जो हैं वो रिड्यूस होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइड वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। अभी हम कहें कि आसानी से प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट दूसरे जगह के लिए इनपुट होता है। प्रोवाइड एस ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल, इसको आसानी से सुपरविजन और कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोवाइड फॉर एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ, एक्सीडेंट्स कम होंगे तो सेफ्टी और हेल्थ पर भी ध्यान ज़्यादा होगा। अलाउ एस टू मेंटेनेंस, किसी उस सीक्वेंस में हम लोग मेंटेनेंस भी आसानी से कर सकते हैं। अलाउ हाई मशीन और इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, मशीन्स को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रोफिटेबिलिटी ज़्यादा कर सकते हैं और इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। लेआउट बना करके यदि हम प्लांट को इस्टेब्लिश करते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी हमारा इम्प्रूव होता है। यहाँ तक किसी को डाउट? इसके आगे हम लोग देखते हैं लेआउट, टाइप्स ऑफ लेआउट, कौन कौन से सेक्शन में, कौन कौन से सेक्शन में का लेआउट बनाया जाता है। जहाँ पे हमारा आउटपुट प्रोडक्ट निकलता है उसका लेआउट बनाते हैं कि कैसे प्रोडक्ट जो निकलेंगे हम लोग वेयर हाउस में रखेंगे, वेयर हाउस से फिर ये डिस्पैच में जाएगा। उसके प्रोसेस का लेआउट बनाते हैं कि इनपुट से लेके प्रोडक्ट बनने तक अलग अलग प्रोसेस से गुजरना होता है, जॉ क्रशर, बॉल मिल, मिक्सिंग, ये सारे प्रोसेस के पार्ट हैं। और कई सारे जो प्रोसेस होते हैं वो एकदम फिक्स्ड होते हैं, जैसे मशीन्स को फिक्स कर दिया और वहीं पे वो ऑपरेशन करता है। और कई सारे प्रोसेस होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, मतलब कुछ फिक्स भी हैं फिर वो मूवमेंट करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर भी कर रहे हैं। ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के पार्ट हैं लेआउट बनाने के लिए। अगला बात करें, मैन्युफैक्चरिंग लेआउट की बात करें, द मेटेरियल मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन सिक्वेंसली विदाउट एनी
बैक ट्रैकिंग और डेविएशन। तो हम कहे कि मटेरियल आया हमारे पास, जॉ क्रशर में गया, जॉ क्रशर से निकला, वो बॉल मिल में गया, बॉल मिल से निकला, फिर वो स्टोरेज यार्ड में गया। तो ये एक स्टेशन से निकल रहा है, दूसरे स्टेशन पहुंच रहा है बिना किसी ब्रेकिंग के, बिना किसी डेविएशन के। मटेरियल आर फेड इनटू फर्स्ट मशीन एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स ट्रेवल ऑटोमेटिकली फ्रॉम मशीन टू मशीन। हम कहें कि एक मशीन में फीड किया जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। द आउटपुट ऑफ वन मशीन बिकम इनपुट ऑफ द नेक्स्ट। जॉ क्रशर का जो आउटपुट था वो बॉल मिल के लिए हमारा इनपुट बन गया। ओके अब ये एक जनरल हमारा रिफ्रैक्टरी का लेआउट है। जैसे कि जो भी रिफ्रैक्टरी बनाए जाते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उस रॉ मटेरियल का माइनिंग किया जाता है, माइनिंग किया जाता है। माइनिंग के बाद उस रॉ मटेरियल को जो माइन से निकाले या ओपन माइनिंग किए या क्लोज्ड माइनिंग किए, तो उसके बाद उसको वहाँ पे भी कुछ प्रोसेसिंग किया जाता है, क्योंकि वो बड़े बड़े स्टोन्स के फॉर्म में निकलते हैं, उसको एक सर्टेन साइज का बनाया जाता है। फिर उस साइज, उस रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, आइदर ट्रक और रेल्स के थ्रू, उस प्लांट में पहुंचाया जाता है, और वहां से जो है उसका यूज करते हैं। स्टोरेज करने के बाद उसका यूज हम लोग करते हैं रिफ्लेक्टिव बनाने में, या हमारा कोई प्रोसेस्ड मटेरियल है तो उसको सीधे सीधे इंस्टॉलेशन करने, इंस्टॉलेशन के बाद प्री हीटिंग करते हैं, प्री हीटिंग के बाद उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। सपोज करो जो जिस रिफ्रैक्टरी का हम लोग यूटिलाइजेशन कर लिए, उसके बाद वो खत्म हो गया, तो फिर उसको कूल कर देंगे, कूलिंग के बाद उसको डिस्पोज कर देंगे। कई बार क्या होता है कि जो डिस्पोजल मटेरियल है इसको हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं। उसी ये है क्यूरिंग, ड्राई आउट, ब्रेकेज और हीटअप, ये सारे प्रोसेस के पार्ट हैं। ये देखिए वही चीजें हैं, इसको थोड़े ज्यादा डिटेल्स में बनाया गया है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम लोग स्टोरेज करते हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर फिर स्टोरेज के बाद जब वो प्रोसेस में जाता है तो क्रशिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, फिर स्क्रीनिंग करते हैं, फिर उसको साइलो में स्टोर करते हैं, जो फाइनल हमारा रॉ मटेरियल बन जाता है। फिर हम लोगों को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वहाँ से साइलो से कलेक्ट करते हैं, फिर उसको मिक्सिंग किया जाता है, फिर फॉर्मिंग किया जाता है। यदि प्रेस ब्रिक बनाना है तो प्रेसिंग के थ्रू फॉर्मिंग करेंगे, या जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, एक्सट्रूशन की जरूरत है एक्सट्रूशन करेंगे, उसके बाद इसको ड्राइंग करते हैं, फिर फाइनली फायरिंग करते हैं, फायरिंग के बाद कूलिंग करते हैं, कूलिंग के बाद इसको हम लोग फिनिशिंग कर देते हैं, फिनिशिंग के बाद इसको हम लोग शिपिंग कर देते हैं। ये टोटल जो है एक चेन प्रोसेस बना हुआ है। तो हमारा जो है प्लांट के अंदर एक मशीन दूसरे मशीन से इंटर लिंक रहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इफेक्टिवली लेबर कॉस्ट को कम कर सकें, एक्सीडेंट्स को कम कर सकें और मशीन्स का इफिशेंसी बढ़ा सकें, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।